ओके गाइस, बैकएंड की इस वीडियो में आपका स्वागत है। होम ऑटोमेशन का हम लोग वीडियो कंटिन्यू कर रहे थे। हमने पिछले पार्ट में डिजाइनिंग वाला पार्ट कंप्लीट किया था। अब हम लोग जो है बैकएंड वाला देखेंगे कि बैकएंड हम लोगों को कैसे इसको कंट्रोल कराना है, मतलब कैसे फंक्शनलिटी इसकी ऐड करनी है। तो हम लोगों ने स्क्रीन नंबर 1 के अंदर एक बारकोड स्कैनर लिया था और एक टेक्स्ट फाइल ली थी, और स्क्रीन नंबर टू के अंदर मैंने एक वेब लिया था, और हम लोगों ने सेकेंड स्क्रीन के अंदर वेब लिया था, जिससे कि हम लोग हमारे सिग्नल भेजेंगे वेब सर्वर के थ्रू हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन से नोड एमसीयू को, जिससे कि वो स्विचिंग करने में काम, मतलब रिले को टर्न ऑन या ऑफ करने में काम आएगा। ओके, तो अब हम लोग करना क्या है, सबसे पहले स्क्रीन नंबर 1 के ऊपर जाते हैं। ये 1 टाइम हम लोग रखने वाले हैं, मतलब फर्स्ट टाइम हम लोग जब इसको ओपन करेंगे देन स्कैन आईपी पर क्लिक करेंगे तो एक बारकोड स्कैनर ओपन होना चाहिए। तो पहले इतना पार्ट हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिजाइनर लिखा है और ब्लॉक लिखा है, तो मैं ब्लॉक्स पे जाऊंगा। ब्लॉक पे जाने के बाद आप लोग देखेंगे ये जो है ये बैकएंड वाला पार्ट है, मतलब हमको यहाँ पर भी ड्रैग एंड ड्रॉप करके बैकएंड वाली सारी चीजें परफॉर्म कर सकते हैं। थ्रू यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लॉक्स लिखा हुआ है, इसके अंदर लॉजिक मैथ कंट्रोल्स इसके थ्रू हम लोग करेंगे। तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, हम लोग हमारे बटन को टैग करेंगे, मतलब जो बटन 1 है, बटन 1 पे क्लिक करूंगा। कौन सा बटन है, ये स्कैन आईपी वाला बटन है, स्कैन आईपी बटन वाला। और यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं, आप देख सकते हैं कंट्रोल्स है, ये सारे कंट्रोल्स है कि वैन बटन क्लिक, मतलब अगर बटन अगर जैसे मैं क्लिक करता तो क्या हो, वैन बटन गेट फोकस, लॉन्ग क्लिक, टच डाउन, टच अप। हम लोगों को इतना ज्यादा यूज नहीं करना है, हम लोग क्या करेंगे बटन 1 डॉट क्लिक हम ऐसे यहाँ रख देंगे, प्लेस कर देंगे। अगर आपने स्क्रैच पे पहले काम किया तो काफी ज्यादा ईजी हो जाएगा आपके लिए, लेकिन अगर आपने नहीं किया तो भी आप देख कर आराम से समझ सकते हैं इसको। तो यहाँ पर लिखा, यहाँ पर हुआ ये है कि वैन बटन 1 डॉट क्लिक, मतलब इसका मतलब ये है कि जैसे बटन 1 जो स्कैन वाला बटन है उस पर क्लिक करूंगा डू, मतलब ये वाला काम परफॉर्म हो। अब क्या काम परफॉर्म कराना है हमें, बारकोड स्कैनर ओपन कराना है। तो बारकोड स्कैनर ओपन कराने के लिए देख सकते हैं यहाँ पर, ओके मेरा ये जो फ्रेम है थोड़ा सा यहाँ पर आ रहा है, तो मैं काम करता हूँ, मैं अपने फ्रेम को इस साइड कर लेता हूँ। तो मैं फटाफट से फ्रेम को, ओके फ्रेम इस साइड आ गया है, आप क्लियर दिखेगा साइड में। तो हम लोगों ने क्या किया, बटन 1 पे क्लिक किया, ये कौन सा बटन था, हमारा स्कैन आईपी वाला बटन था। अगर आपको बटन बहुत सारे बटन आपने ऐड कर लिए और आपको समझ नहीं पड़ रहा है कि कौन सा बटन है, तो सिंपल सा एक काम कर सकते हैं कि डिजाइनर में जाइए और ये जो बटन 1 है, मतलब जो स्कैन आईपी वाला बटन है, उसे रिनेम कर दिए, रिनेम करके स्कैन लिख दीजिए, मतलब ये स्कैन अंडरस्कोर बटन है, मतलब ये जो बटन है वो स्कैन वाला बटन है। जो मैंने आपको बताया था कि हमने पिछले वीडियो में हमने देखा था, जब हम लोगों ने बटन 1 बटन 2 बटन 1 ऑन बटन 1 ऑफ बटन 2 ऑन बटन 2 ऑफ, इससे फायदा ये होगा कि जब भी हम बैकएंड के अंदर परफॉर्म करते हैं, मतलब बहुत सारे बटन ऐड हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने पिछले वीडियो के अंदर एक अप्लायंसेस के लिए 2 बटन बनाए थे ऑन ऑफ, तो हम लोग वहां पर उसका नेम चेंज करते आ रहे थे, ताकि हम लोग जब भी यहाँ पर परफॉर्म करेंगे बैकएंड, तो हमें बटन आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी कौन सा ऑन का बटन है कौन सा ऑफ का बटन है। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक स्कैन का बटन बना लिया, ताकि मुझे क्लियरली दिख रहा है कि वो स्कैन का बटन है, मतलब वो जो बटन हमने बनाया है वो स्कैन का है। अब यहाँ पर अगर 10 बटन अगर आपके पास ऐड करके रखे और आपको आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है, तो आपका बैकएंड है वो करेक्ट नहीं बन पाएगा। तो बैकएंड को करेक्ट बनाने के लिए एक गुड हैबिट होगी कि जिससे आप जो जैसे बटन का नाम दे दें कोई सा भी अच्छा। तो यहाँ पर हम लोगों ने वैन स्कैन बटन डॉट क्लिक किया, मतलब इसका मतलब ये है कि जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो डू, मतलब ये वाला वर्क हो। तो हमें कराना क्या है, स्कैन बटन पे क्लिक करेंगे तो एक बारकोड स्कैनर ओपन होना चाहिए या क्यू आर कोड स्कैनर ओपन होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आईपी अंडरस्कोर बारकोड लिखा है, इसका मतलब इस पर क्लिक करेंगे। देखो जिस कंपोनेंट के अपर ऊपर क्लिक करते हैं उसकी कंट्रोल, मतलब उसकी सारी फंक्शनलिटी जो भी वो बैकएंड में परफॉर्म कर सकता है, वो सारी फंक्शनलिटी आपको साइड में शो हो जाती है। जैसे कि हम लोगों ने स्कैन बटन पे क्लिक किया था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ वैन स्कैन अंडरस्कोर बटन डॉट क्लिक, मतलब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ फंक्शन अप्लाई हो सकता है। डॉट लॉन्ग क्लिक, डॉट फोकस, डॉट लॉन्ग क्लिक का मतलब ये होता है कि अगर आपने उसके प्रेस एंड होल्ड करके रखा है तो उसके ऊपर कुछ फंक्शन अप्लाई हो, मतलब जो बटन है उसके ऊपर जितनी भी फंक्शनलिटी परफॉर्म हो सकती है बैकएंड के अंदर, वो सारी यहाँ पर जो है वो शो, मतलब वो सारी आपको सारे ऑप्शन इसके मिल जाएंगे। आपको कोड करने की जरूरत नहीं है, ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए। तो हम लोगों ने बटन 1 के लिए लिख दिया कि बटन 1 पे क्लिक हो तो आईपी बारकोड, मतलब क्यूआर कोड, बारकोड चीज अलग होती है, क्यूआर कोड अलग होता है। तो अभी मैं इसे बारकोड बोलना बंद करके क्यूआर कोड बोलता हूँ, तो जो क्यूआर कोड है वो स्कैनर ओपन हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अच्छा एक और चीज, बारकोड और क्यूआर कोड जो है वो एक ही फाइल के अंदर, मतलब अगर आप बारकोड क्यूआर कोड की जगह अगर बारकोड बनाते हैं तो वो भी बन जाएगा, और क्यूआर कोड दोनों, मतलब दोनों स्कैन हो जाएगा इससे, मतलब ये दोनों का काम कर देता है। तो हमें क्या करना है, कॉल आईपी बारकोड को डू स्कैन, इसका मतलब ये है कि कॉल आईपी बारकोड डॉट डू स्कैन, इसका मतलब ये है कि हमने आईपी बारकोड को कॉल किया, इसको कॉल किया, और डॉट डू स्कैन का मतलब है कि अब हमने यहाँ पर स्कैन कराया। तो यहाँ पर जो है वो बारकोड ओपन होगा, देन आप उसके सामने क्यूआर कोड रख दीजिए, वो स्कैन होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, अब स्कैन होने के बाद हमें इसको टेक्स्ट फाइल में सेव करना होगा।
तो हम सबसे पहले स्कैन होने के पहले एक बात की कंडीशन लिखेंगे कि जब बारकोड स्कैन हो जाए तो अब हमें क्या करना होगा, व्हेन आईपी बारकोड डॉट आफ्टर स्कैन। इसका मतलब ये है कि जब भी वो बारकोड स्कैन कर ले, उसके अंदर से टेक्स्ट उठा ले, तो उसको क्या करना होगा, तो हमें क्या करना है कि फाइल के अंदर, एक टेक्स्ट फाइल के अंदर उसको स्टोर कराना है। तो हम लोग यहाँ पर से टेक्स्ट फाइल पे क्लिक करेंगे, आईपी अंडरस्कोर टेक्स्ट, देन उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कॉल आईपी टेक्स्ट डॉट अपेंड टू फाइल। डॉट अपेंड टू फाइल का मतलब है कि कुछ टेक्स्ट फाइल के अंदर कोई वैल्यू या कोई भी चीज स्टोर करना। तो हम इसको यहाँ पर से ड्रैग करेंगे, देन इसके बाद इस डू के नीचे में जाके मतलब इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। अब यहाँ पर जो है डॉट अपेंड टू फाइल, इसके अंदर दो फील्ड दे रखी है, टेक्स्ट दे रखा है और एक फाइल नेम रख रखा है। टेक्स्ट का मतलब है कि जो टेक्स्ट आपको फाइल के अंदर स्टोर करना है वो टेक्स्ट के अंदर आएगा, और फाइल का नाम क्या होगा वो हमें यहाँ पर देना है। तो यहाँ मैं यहाँ पर रिजल्ट पे क्लिक करूंगा, मतलब ये जो बारकोड स्कैनर का ब्लॉक है, जो कंट्रोल ब्लॉक है, इस पे क्लिक करूंगा, गेट रिजल्ट। अब इस गेट रिजल्ट का मतलब क्या है कि जब भी ये स्कैन करेगा बारकोड स्कैनर से, और इसके अंदर जो भी फाइल के अंदर मतलब जो भी बारकोड स्कैनर के अंदर टेक्स्ट रहेगा वो इस फाइल के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा टेक्स्ट के थ्रू। ये टेक्स्ट का मतलब ये है कि कौन सा फाइल का मतलब क्या चीज आपको इसके अंदर स्टोर करना है, टेक्स्ट क्या स्टोर करना है आपको। तो यहाँ पर हमने गेट रिजल्ट कर दिया, और गेट रिजल्ट का मतलब क्या हो गया कि बारकोड स्कैनर से जो भी रिजल्ट आए, मतलब जो भी स्कैन करके रिजल्ट आए, वो हमें यहाँ पर पेस्ट कर दे, मतलब स्टोर हो जाए। ओके, तो अब हमको एक फाइल का नेम रखना है, हमने टेक्स्ट रख दिया, हमको नेम रखना है। तो नेम रख ले के लिए देख सकते हैं यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे, देन यहाँ पर मैं एक ब्लैंक टेक्स्ट उठा लूंगा। ब्लैंक टेक्स्ट उठाने के बाद में एक मैं स्लैश लगाऊंगा। इस स्लैश का मतलब ये है कि हमारी डायरेक्टरी जो है वो मतलब हम एंड्रॉइड फोन की डायरेक्टरी के अंदर जाके स्टोर होगा। तो हमें बैक स्लैश लगाना है, देन आपकी फाइल का कोई भी नाम रख सकते हैं, जैसे कि मैं रख देता हूँ आईपी, और उसका एक्सटेंशन लिखना जरूरी है .txt। ओके, तो ये हमने फाइल का नाम और हमने एक्सटेंशन सेव मतलब हमने रख दिया है आईपी .txt। अब याद रहे दोस्तों कि ये जो फाइल है वो हमारे एंड्रॉइड के अंदर, हमारे एंड्रॉइड फोन के अंदर इंटरनल स्टोरेज के अंदर जाकर मतलब जो जब जैसे आप इंटरनल स्टोरेज पे क्लिक करते हैं तो वहीं पर आपको नीचे फोल्डर्स के नीचे जाके आपको ये फाइल मिलेगी। ध्यान रहे ये फाइल जो है वो डिलीट नहीं करना है, अगर आप इसे डिलीट कर देंगे तो हमारा जो है वो पूरा वर्क जो भी हमारा एप्लीकेशन है वो वर्क नहीं करेगा। तो हमने यहाँ पर क्या किया है कि हमने एक बटन लिया है, बटन के ऊपर जैसे हम क्लिक करते हैं तो बारकोड स्कैनर ओपन होगा। बारकोड स्कैनर होगा तो उसके अंदर जो टेक्स्ट आएगा एक फाइल में जाके स्टोर हो जाएगा, और उस फाइल का नाम रहेगा आईपी डॉट टेक्स्ट। ओके, अब हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि हम लोगों को ये जो स्क्रीन है वो वन टाइम ओपन करनी है, लेकिन अभी जिस हिसाब से हमने कोड लिखा है उसके हिसाब से ये होगा कि अगर आपने एंड्रॉइड एप्लीकेशन बंद कर दिया और उसे रीओपन किया तो ये फिर से स्टार्टिंग स्क्रीन पे पहुंच जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमने यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं डाली है कि हमारा अगर उस फाइल के अंदर पहले से टेक्स्ट है या वो स्कैन पहले से हम लोगों ने कर दिया है तो वो हमें डायरेक्ट कंट्रोल पर सेंड कर दे। तो अब हम लोग उसका कोड मतलब उसका कोड हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। तो यहाँ पर एक लॉजिक बनाने वाले हैं हम लोग कि बारकोड स्कैनर जब स्कैन हो जाए तो इसी के अंदर हम एक कंडीशन और डालने हैं, स्कैन होने के बाद में फाइल के अंदर पेस्ट होने के बाद में, मतलब फाइल के अंदर जो हमारा आईपी है वो पेस्ट होने के बाद में, सेव होने के बाद में, हम लोग उसी फाइल के अंदर वापस रीड करेंगे, मतलब फाइल के अंदर से टेक्स्ट रीड करेंगे। तो हम लोगों ने ले लिया कॉल आईपी टेक्स्ट डॉट रीड फ्रॉम। अब हमें फाइल का नाम देना होगा तो फाइल का नेम वापस सेम हो जाएगा, तो मैं इसे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। अब इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या चीज़ है। हमारा बारकोड स्कैनर स्कैन किया, उसमें से टेक्स्ट आया, टेक्स्ट हमने फाइल में सेव कर दिया। फाइल में सेव करने के बाद में हम लोगों ने क्या करा, वापस फाइल में से उसी फाइल में से आईपी डॉट टीएक्सटी फाइल में से टेक्स्ट रीड करा कि उस टेक्स्ट के अंदर लिखा क्या है। तो हमने यहाँ पर दे दिया कॉल आईपी डॉट रीड फ्रॉम और फाइल का नाम हमने टेक्स्ट दे दिया। अगर इस फाइल के अंदर पहले से ही आईपी डली हुई है या पहले से ही टेक्स्ट डला हुआ है तो हमें ये वाली स्क्रीन ओपन ना करे, डायरेक्ट कंट्रोल पे फॉरवर्ड कर दे। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, आईपी डॉट टीएक्सटी पे क्लिक करूंगा, व्हेन आईपी डॉट आईपी टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट। अब यहाँ पर एक ऑप्शन हमको दिख रहा है, व्हेन आईपी अंडरस्कोर टेक्स्ट डॉट गॉट टेक्स्ट, इसको मैं ड्रैग कर लेता हूँ। ड्रैग करने के बाद में मैं कंट्रोल्स पर जाऊंगा, कंट्रोल में जाने के बाद मैं इफ देन की कंडीशन ले लूंगा, अगर ये वाला मतलब इफ जो है वो ट्रू हो जाता है देन ये वाला परफॉर्म करे। ओके, अब इसके बाद मैं लॉजिक ले लेता हूँ, कुछ लॉजिक मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, ये वाला लॉजिक फोर्थ नंबर वाला, दिस ब्लॉक इक्वल टू दिस ब्लॉक, ये वाला ले लेते हैं। मैं पहले पूरा ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ, फिर आपको इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, देन मैं जाने वाला हूँ टेक्स्ट के ऊपर, इसके बाद गेट टेक्स्ट लूंगा। गेट टेक्स्ट लेने के बाद में मैं यहाँ पर जाऊंगा, ओके, हम लोग यहाँ पर एक कंडीशन ले लेते हैं, एल्स वाली कंडीशन ले लेते हैं। ओके, अब यहाँ पर जो है मैंने ये कंडीशन क्यों डाली है, अब हम लोगों ने क्या करा,
when ip_text got text, मतलब यहाँ से जब हम लोग फाइल रीड करेंगे उसमें जो भी टेक्स्ट आएगा वो इस get text वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। अगर get text वेरिएबल मतलब जो भी फाइल के अंदर से जो भी इसने रीड किया अगर वो ब्लैंक निकलेगा तो हमारी ये स्क्रीन इनिशियलाइज हो जाएगी। अगर उसके अंदर कुछ टेक्स्ट है देन वो एक रीडायरेक्ट कर देगा नए पेज के ऊपर। तो हम लोग एक काम करते हैं, कंट्रोल्स पे जाते हैं। कंट्रोल्स पे जाने के बाद में हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, ओपन अनदर स्क्रीन पे जाते हैं। आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक ओपन अनदर स्क्रीन आएगा, उसको मैं ड्रैग कर लूंगा। देन ड्रैग करने के बाद एल्स वाले ब्लॉक के अंदर इसको मतलब इसको ड्रॉप कर दूंगा। देन यहाँ पर मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, एक ब्लैंक वेरिएबल, ताकि मैं उस स्क्रीन का नेम डाल पाऊँ। तो मैंने यहाँ से उठाया एक ब्लैंक वेरिएबल, उसको मैं डाल दूंगा यहाँ पर, और स्क्रीन का नेम, अब स्क्रीन का नेम क्या है, कंट्रोल्स। तो यहाँ पर मैं कंट्रोल्स दे दूंगा। आप ध्यान रहे अगर आपने यहाँ पर कंट्रोल्स का सी या फिर आपको अगर आपने अपर केस या लोअर केस डाल रखा है यहाँ पर ऊपर नीचे, तो वैसे आपका कंट्रोल का सी है या सी कैपिटल है या सी स्मॉल है, अगर आपने कुछ भी टेक्स्ट दिया है ये केस सेंसिटिव होता है। आपने जो स्क्रीन का नाम दिया है और जिस टाइम टेक्स्ट दिया है वो या टेक्स्ट आपको यहाँ पर लिखना है, नहीं तो वो स्क्रीन ओपन नहीं होगा। आप इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि मैंने आखिर लिखा क्या है। ओके, तो यहाँ पर मैंने लिखा ये है कि वैन स्कैन बटन डॉट क्लिक, मतलब जैसे स्कैन बटन पर मैं क्लिक करूँगा तो हमारा जो है बारकोड स्कैनर या QR कोड स्कैनर ओपन हो और उसमें से स्कैन हो जाए, मतलब जो भी हम बारकोड स्कैनर देंगे वो स्कैनिंग परफॉर्म हो जाए। स्कैनिंग परफॉर्म होने के बाद में इस ब्लॉक का स्कोप खत्म हो जाएगा। देन ये वाला ब्लॉक आएगा, इस ब्लॉक के क्या होगा कि आफ्टर स्कैन, मतलब स्कैन होने के बाद में हमने क्या किया, हमने एक फाइल बनाई, टेक्स्ट फाइल बनाई, उसका नाम रखा ip.txt, और उसके अंदर जब स्कैन हुआ था उसमें रिजल्ट जो आया था स्कैन का रिजल्ट वो मैंने इसमें जाके स्टोर कर दिया। वही मैंने एक और चीज़ अप्लाई करी कि यहाँ पर मैंने एक और फाइल से रीड किया, राइट करने के बाद वापस रीड किया। ऐसा क्यों किया, ताकि मेरा जो वापस मैं रीओपन करूँ तो मेरे डायरेक्ट कंट्रोल्स पे फॉरवर्ड कर दे। तो मैंने कॉल ip.readfromText, मतलब ये ip जो मैंने फाइल ली उसमें से टेक्स्ट रीड किया। रीड करने के बाद में जैसे ही उसके अंदर टेक्स्ट आ जाएगा, जो भी टेक्स्ट उसके अंदर लिखा है वो टेक्स्ट ले लेगा। तो गेट टेक्स्ट मैंने लिखा, इसके अंदर मैंने कंडीशन दी इफ देन और एल्स। अगर टेक्स्ट खाली है तो कुछ नहीं करे, मतलब ये स्क्रीन वापस ओपन हो जाएगी। अगर इसके अंदर कुछ टेक्स्ट हुआ तो ये ब्लॉक नहीं चलेगा, इफ ब्लॉक नहीं चलेगा तो ये एल्स पार्ट में ओपन हो जाएगा। एल्स पार्ट में ओपन होगा कि ओपन अनादर स्क्रीन, स्क्रीन का नाम रख दिया हमने कंट्रोल्स। तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ही अगर कोई भी जैसे गॉट टेक्स्ट के अंदर कुछ भी टेक्स्ट आया तो यहाँ पर ब्लैंक नहीं रहेगा, ब्लैंक की मतलब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये कंडीशन फॉल्स होगी तो सीधे एल्स ब्लॉक में चला जाएगा। अगर आप इसे पहली बार ओपन कर रहे हो तो ये कुछ नहीं होगा, मतलब कोई इसका स्कोप का मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पर ये जो कंडीशन है हमको देना जरूरी, ऐसा रखना है कि आपने एक बार ओपन किया देन आपको बार बार ओपन करना ना पड़े। तो हमने हमारे पहले वाले स्क्रीन के ऊपर काम कर लिया, इसमें जीरो वार्निंग और जीरो एरर आया, मतलब इसके अंदर कुछ भी एरर नहीं है, बिल्कुल एक्यूरेट कोड हमने इसका ड्रैग एंड ड्रॉप किया है। देन अब मैं कंट्रोल्स के ऊपर जाऊंगा। अब कंट्रोल्स के ऊपर जाने के बाद में हम वापस से टेक्स्ट फाइल जो है उसको स्कैन करेंगे, मतलब वापस उसमें टेक्स्ट उठाएंगे। तो टेक्स्ट उठाने के लिए वापस मैं जाता हूँ। ओके, मैंने यहाँ पर फाइल नहीं लिया है तो मैं यहाँ पर डिजाइनर ब्लॉक के अंदर जाता हूँ वापस से। देन मैं ड्रॉप करता हूँ, उसके बाद मैं स्टोरेज के ऊपर जाता हूँ और मैं फाइल भी एक यहाँ पर इंसर्ट कर लेता हूँ। वापस मैं ब्लॉक्स की तरफ जाता हूँ। ब्लॉक्स की तरफ जाने के बाद में मैं क्या करूँगा, एक फाइल पे क्लिक करूँगा। मैन फाइल पे क्लिक करने के बाद में हमें क्या करना पड़ेगा, अब सबसे पहले स्क्रीन जब इनिशियलाइज होगी, मतलब जैसे ही ये स्क्रीन ओपन होगी तो सबसे पहले जो फाइल जो है हमारी टेक्स्ट फाइल है वो उसे रीड करे। तो रीड करने के लिए मैं कंट्रोल्स पे जाऊंगा सबसे पहले, और कंट्रोल्स पे जाने के बाद में यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको। ओके, यहाँ पर नहीं मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको कंट्रोल्स के अंदर जाएंगे तो देख सकते हैं ये वाला जो कंट्रोल है इसके अंदर जाना पड़ेगा। When controls initialize, इसका मतलब ये controls क्या है, controls एक स्क्रीन का नाम है। जैसे ही controls वाली स्क्रीन ओपन हो जाएगी तो हमें करना क्या है, फाइल को स्कैन करना है। तो फाइल वन पे जाऊंगा, देन फाइल वन पे जाने के बाद में कॉल फाइल वन रीड फ्रॉम पे क्लिक करूंगा। यहाँ पर रीड करने के बाद में हमें फाइल का जो नाम देना पड़ेगा, रीड फ्रॉम फाइल नेम का नाम देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर नेम दे देता हूँ backslash लगा के ip.txt, मतलब ip.txt फाइल में से वो स्कैन करेगा। ओके, तो अब हम लोगों ने फाइल को रीड तो कर लिया, अब रीड करने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा आईपी आया है उसको किसी वेरिएबल में जाकर स्टोर करा लेंगे। वेरिएबल में स्टोर कराने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हमको एक लेबल क्रिएट करना पड़ेगा और उस लेबल के अंदर हम लोग वो वाला जो टेक्स्ट है उसे हम रख लेंगे। तो क्या करना पड़ेगा, डिजाइनर ब्लॉक में जाते हैं वापस से, यूजर इंटरफेस पे जाएंगे और एक लेबल यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे, कहीं पर भी लेबल रख दीजिए। और उस लेबल का नाम मैं रीनेम कर लेता हूँ और उसका लेबल का नाम देता हूँ ip_text
आईपी रख देता हूँ, सिर्फ आईपी रख देते हैं हम लोग उसका नाम, ताकि हमें कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि हमने आईपी अंडरस्कोर टेक्स्ट पहले भी कहीं पर बटन वगैरह है इसका नाम रख दिया है। तो मैं इसे आईपी क्रिएट कर दूंगा। ओके, यहाँ पे लेबल 6 का नाम मैंने रखा आईपी, आईपी रख दिया। अब ये क्या है कि जो लेबल है, ये वाला जो लेबल आपको दिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड कलर इसका सेम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप चाहे तो आपके आईपी शो करा सकते हैं, तो इसका मैं कलर जो है वो चेंज करा दूंगा। इसका मतलब ये है कि ये एक वेरिएबल की तरह हम इसे ट्रीट करेंगे, इस लेबल को एक वेरिएबल की तरह ट्रीट करेंगे। उसके अंदर हमारा जो फाइल के अंदर हमारा जो आईपी है वो फैच होकर आएगा इसी फाइल इस पेज के अंदर, और वो यहाँ पर शो भी करेगा, और वही जो हमारा जो शो कर रहा है वो भी हमारा वेब सर्वर में काम आएगा। कैसे वो देखते हैं। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा, इसको मैं शो कर देता हूँ, इसका कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, मैं इसका वाइट कलर कर लेता हूँ, और यहाँ पर इसे मैं ब्लैंक कर देता हूँ, क्योंकि हमारा जो है वो आईपी हमें यहाँ पर शो होगी, तो मैं इसे ब्लैंक कर दिया। अगर आप इसका वो ब्लैंक नहीं छोड़ना चाहते तो रहने दीजिए, क्योंकि जो टेक्स्ट फॉर लेबल 6 है जो भी आपका आएगा वो रिप्लेस हो जाएगा आपकी आईपी से। तो यहाँ पर मैंने एक आईपी लेबल बना लिया, और अब मैं ब्लॉक्स पे जाता हूँ। ब्लॉक्स पे जाने के बाद मैं इसे स्क्रॉल डाउन करूंगा, और वो टेक्स्ट फाइल को मैं ढूंढूंगा कि मेरी टेक्स्ट फाइल कहाँ पर है। तो ये है मेरी ए, मतलब टेक्स्ट फाइल। अब टेक्स्ट फाइल को मैं ले लूंगा, और फिर इसका एक सेट ब्लॉक कोई सा भी उठा लूंगा मैं। यहाँ से मैंने सेट ब्लॉक का उठा लिया, सेट आईपी इस वेरिएबल का नाम है या आपका लेबल का नाम है। फॉन्ट साइज पे मैं क्लिक करूंगा, ड्रॉप डाउन पे आप देख सकते हैं यहाँ पर टेक्स्ट आएगा, तो आप इसकी प्रॉपर्टीज यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो मैंने जिसकी प्रॉपर्टीज इसका टेक्स्ट चेंज कर लेता हूँ मैं, कि जो भी इसके अंदर टेक्स्ट होगा या ब्लैंक टेक्स्ट होगा जो कि हमने रिमूव करके ब्लैंक रखा है, उसके अंदर ये जो फाइल के जो हम लोगों ने फाइल रीड करी वो टेक्स्ट इसके अंदर जाके पेस्ट हो जाए। तो यहाँ पर हम लोगों ने गेट टेक्स्ट हमने यहाँ पर रख दिया है। अब हमारा आईपी वेरिएबल के अंदर टेक्स्ट फाइल से आईपी आ चुकी है, वो आपको शो कर देगा नीचे, मतलब जब कंट्रोल के नीचे आपकी आईपी भी शो कर देगा। अब हम लोग क्या करेंगे, वेब सर्वर पर काम कर लेते हैं, मतलब हमारे रिक्वेस्ट जो है वो हमारे नोड एमसीयू से पहुंचा देते हैं, हमारा फाइनल काम हो जाएगा यहाँ पर। तो मैं वेब वन पे क्लिक करूंगा, वेब वन पे क्लिक करने के बाद में, और उसके पहले हम लोग एक काम और करते हैं, हम लोगों को वो काम पहले करना पड़ेगा कि हमने जो बटन बनाए थे हम लोग उस पर सबसे पहले फंक्शंस पे काम करेंगे, और उसी से फिर हम लोग वेब सर्वर पर रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो बटन वन पे क्लिक करूंगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बोला था कि अगर आप इस पे बटन वन बटन टू अगर आप इसका नेम देते हैं, मतलब नेम देते हैं, तो आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी। तो मैं यहाँ पर इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ कि बटन वन का ऑन नंबर है ये। तो यहाँ पर मैं उठा लेता हूँ बटन वन डॉट क्लिक, यहाँ पर एक बटन क्रिएट कर लिया है, बटन का मतलब बैकएंड क्रिएट कर लिया है। जब भी हम उस पर बटन वन ऑन, मतलब ऑन वाले बटन पे क्लिक करेंगे, तो पहले वो आईपी से कनेक्ट होगा, आईपी से कनेक्ट होगा मतलब नोड एमसीयू से कनेक्ट होगा, देन इसके साथ उसके पास में रिक्वेस्ट सेंड करेगा कि इसे ऑन करना है कि ऑफ करना है। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा ऊपर, और हम लोगों को क्या करना है कि सेट वेब पे जाऊंगा मैं, वेब पे जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर सेट का एक कोई सा ब्लॉक उठा लूंगा, सेट का एक ब्लॉक उठा लेंगे मैं यहाँ से, ये सेट का ब्लॉक को यहाँ पर रख दूंगा। सेट वेब बन अलाउ कुकीज लिखा है, इसे मैं ड्रॉप डाउन करना है, ड्रॉप डाउन करके URL, मतलब URL के थ्रू हम लोग रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, मतलब हम लोग कनेक्ट करेंगे हमारे नोड एमसीयू को, क्योंकि हमने जो आईपी ली है टेक, मतलब http://192.168.43 वो एक URL के थ्रू जाएगी। तो हम लोगों ने सेट वेब बन डॉट URL टू, अब क्या URL, कौन सा URL हमको देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हम लोगों ने टेक्स्ट फाइल के, हमने टेक्स्ट वेरिएबल के अंदर आईपी वेरिएबल के अंदर हमने जो स्टोर किया था टेक्स्ट फाइल से, जो हम लोग आईपी लेकर आए थे वो हमने जो स्टोर किया था वही हमें यहाँ पर नीचे देना पड़ेगा। ओके, अब हम लोगों को जो फाइल का टेक्स्ट है वो हमको यहाँ पर ज्वाइन करवाना है। तो पहले हम लोग स्क्रॉल करेंगे ऊपर, और ऊपर स्क्रॉल करने के बाद में आपको यहाँ पर टेक्स्ट पे जाना है, टेक्स्ट पे जाने के बाद आपको ज्वाइन वाला ब्लॉक उठाना है, उसके बाद आपको जाना है ये आपके लेबल के ऊपर, लेबल के ऊपर होने के बाद में आपको यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट वाला ब्लॉक उठा लीजिए आप यहाँ पे से। फर्स्ट वाला ब्लॉक उठाने के बाद में मैं इस ब्लॉक को इस ज्वाइन के फर्स्ट वाले पार्ट के अंदर रख देता हूँ, और यहाँ पर इसकी बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी की जगह इसकी टेक्स्ट की प्रॉपर्टी कर देता हूँ। अब हम लोग समझते हैं कि इसमें क्या क्या इसमें हम लोगों ने लॉजिक लगाया है। इसका मतलब ये है कि जब भी मैं ऑन बटन पे क्लिक करूंगा तो मेरा वेब वन URL से कनेक्ट, मतलब जो वेब वन है डॉट URL, मतलब जो हमारा वेब सर्विस है उसका URL के थ्रू हमारा IP.txt से कनेक्ट हो जाएगा, मतलब हमारा नोड एमसीयू से कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट होने के बाद में कौन सा ऑपरेशन हमें करना है वो हमें सेकेंड ज्वाइन के ऊपर नंबर के ऊपर देना पड़ेगा, मतलब कि ये हमने कनेक्ट किया हमारे आईपी से, ज्वाइन हुआ हमारे आईपी से, अब हमें क्या परफॉर्म करना है। तो हम लोग यहाँ पे से स्क्रॉल अप करेंगे, एक टेक्स्ट फाइल उठाएंगे, उसी टेक्स्ट फाइल को मैं यहाँ पर रख दूंगा ऊपर की तरफ, और यहाँ पर एक बैक स्लैश लगाइए कैपिटल RELAY1, फिर ओ कैपिटल और ये ऑन पे क्लिक करें। अब यहाँ पर मैंने यार टेक्स्ट क्यों डाला है, जब भी मैंने नोड एमसीयू को जब मैंने प्रोग्राम किया था नोड एमसीयू को, तो वहाँ पर मैंने
एक वेब सर्वर क्रिएट किया था कि जब भी हमारी एंड्रॉइड एप्लीकेशन से कोई भी रिक्वेस्ट आती है और डॉट मतलब स्लैश स्लैश रिले वन ऑन करके कोई भी टेक्स्ट वहां से आता है तो हमारा रिले नंबर वन ऑन हो जाए। आपको ये रिले का आर कैपिटल और ओ का ऑन कैपिटल यहाँ पर रखना पड़ेगा, अदरवाइज आपका ये वर्क नहीं करेगा। अगर आप को पहले से ही ऑर्डिनो की कोडिंग आती है या फिर आप ऑर्डिनो पे काम करते हैं तो आप आपके हिसाब से आपका टेक्स्ट सेट कर सकते हैं कि जिससे आपका जो रिले है वो ऑन या ऑफ हो जाए। तो हमने पहला वाले बटन को सेट किया था, बटन वन ऑन डॉट क्लिक, देन हमने यूआरएल से कनेक्ट किया, आईपी उठाया, देन उस पर फंक्शन परफॉर्म किया। अब हमें क्या करना है, वापस वेब सर्वर पे जाना है, लास्ट स्टेप है ये, और उसके बाद में हमें इसे कॉल करना है। तो कॉल वेब सर्वर डॉट गेट, मतलब ये जो है वेब वन डॉट गेट, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमें जो हमारा HTTP रिक्वेस्ट है वो सेंड हो और सेंड होने के बाद में हमें वापस इसका रिस्पांस दे। तो हमने कॉल डॉट गेट हमने यहाँ पर लिख दिया है, मतलब हमने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया है। अब ऐसे हम बटन टू, बटन थ्री, बटन फोर के लिए कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे इसे कॉपी करता हूँ, इसे पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद आपके पास दो दो ब्लॉक्स हो जाएंगे यहाँ पर, तो मैं इसे ब्लॉक को नीचे ले लेता हूँ और ये ऐसा कि ऐसा जो है वो बटन टू के लिए मतलब बटन वन ऑफ के लिए कर लेता हूँ। अब हमें चेंजेस क्या करना होगा, एक बटन वन ऑन के लिए है, एक बटन वन ऑफ के लिए है। हमें यहाँ पर सिंपली जो है हमारा जो हमने टेक्स्ट लिया है रिले वन ऑन, उसकी जगह रिले ऑफ लिख दूंगा मैं। ऐसे हम चारों के लिए कर लेते हैं फटाफट। तो ये हमारा लास्ट वाला ब्लॉक है जिसके अंदर मैंने बटन 4 को ऑफ किया। बटन 4 जब भी मैं ऑफ करूंगा तो उसमें फंक्शनलिटी क्या परफॉर्म करनी है, रिले 4 जो है वो मेरा ऑफ हो जाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ मैंने चारों को सेट कर दिया है, जिसमें मैंने बटन 1 ऑन, उसके ऊपर क्या होगा ऑन हो जाएगा रिले, देन बटन 1 ऑफ, देन रिले यहाँ पर ऑफ हो जाएगा। ऐसे ही बटन 2 के ऊपर रिले सेकेंड ऑन हो जाएगा जब भी मैं ऑन बटन पर क्लिक करूंगा, देन रिले टू ऑफ, तो ये सेकेंड ऑफ हो जाएगा। ऐसे थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ के लिए होगा। तो ये जो है हमारा पूरा ब्लॉक जो है वो कंप्लीट हो गया है, मतलब ये हमारा पार्ट जो है बैकेंड वाला कंप्लीट हो गया है। अब इस एप्लीकेशन को हम लोग इसको APK में कन्वर्ट करते हैं और हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं हमारे मतलब इंस्टॉल करते हैं और कनेक्ट करके देखते हैं कि हमारा वर्क कर रहा है कि नहीं। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, बिल्ड पे क्लिक करना पड़ेगा। बिल्ड पे क्लिक करने के बाद में सेव APK.APK टू माई कंप्यूटर, इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। देन यहाँ पर जो है वो पार्ट वन पार्ट टू दोनों कंपाइल हो जाएंगे। तो सो होने देते हैं कंपाइल। ये आपके इंटरनेट कनेक्शन के ऊपर है कि वो आपको कितने देर में कंपाइल कर देता है आपकी प्रोसेस को। ओके, तो ये जो है वो बिल्ड कर रहा है, APK कंपाइल हो गया है। अब हमारा बिल्ड एप्लीकेशन जो है वो बिल्ड होना स्टार्ट हो गया है। देन द APK विल बी सेव्ड इन द डाउनलोड फोल्डर। अब ये जो आपका APK है वो ऑटोमेटिक डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। APK का जो साइज है वो 3.2 MB बना है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम है। अब मैं फटाफट से इसको करता हूँ अपने एंड्रॉइड फोन के अंदर इंस्टॉल। तो चलिए चलते हैं हमारे एंड्रॉइड स्क्रीन के ऊपर और उसे टेस्ट करते हैं कि कैसे मतलब ये वर्क कर रहा है। देखो दोस्तों, यहाँ पर जो है कि काफ़ी ज़्यादा जो हमने ब्लॉक्स हमने कॉपी पेस्ट करे काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ये, बट अगर आप मेरी स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और अगर आपको कुछ भी इशू आता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको इशू जो है वो फटाफट सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो हम लोग इसको इंस्टॉल करते हैं, चलते हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर। ओके गाइस, तो मैंने यहाँ पर एक QR कोड जनरेट कर लिया है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। यहाँ पर जाइए आप ये वाली वेबसाइट के ऊपर, फ्री टेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, HTTP और आपका जो भी URL है आपकी NodeMCU का वो आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए। जैसे मेरे केस में 192.168.43.30 है और यहाँ पर जो है मेरा QR कोड जनरेट होकर आ गया है। और इसी के साथ मैंने अपना एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी मैंने इंस्टॉल कर लिया है। तो एंड्रॉयड एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद मैं इसे ओपन करूँगा। देन ओपन करने के बाद में जैसा कि हमने हमारे एप्लीकेशन के ऊपर बनाया था कि हमारा जो होम ऑटोमेशन है उसके ऊपर उसके पास में बटन आएगा, तो एक बटन सक्सेसफुली आ गया है। स्कैन आईपी पे क्लिक करूंगा, देन यहाँ पर क्या बोल रहा है, अलाउ होम ऑटोमेशन टू टेक फोटो वीडियो और रिकॉर्ड वीडियोस। आपको इसे अलाउ करना पड़ेगा, एक परमिशन मांग रहा है आपसे कि आपका कैमरा जो है वो यूज़ करूँ कि नहीं मैं। तो यहाँ पर मैं अलाउ पे क्लिक करूंगा। देन यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक QR कोड स्कैनर जैसा खुल गया है। बारकोड स्कैनर और QR कोड स्कैनर एक लाइन बीच में आ गई है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो QR कोड है मैं इसे स्कैन कर लूँगा। तो यहाँ पर मैं इसके सामने लगा देता हूँ और ये स्कैन होने के बाद में आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर एक परमिशन और आपसे मांगेगा फाइल्स एक्सेस करने के लिए, जो कि मैंने आपको बोला था कि हमने एक टेक्स्ट फाइल बनाई है उसके अंदर स्टोर करना है, तो वो उसे एक्सेस की परमिशन मांगेगा। तो आपको इसे भी अलाउ कर देना है।
अलाउ करने के बाद में एक और परमिशन मांग रहा है, उसे भी हम अलाउ कर देंगे। ओके, तो हमने थोड़ी छोटी सी मिस्टेक कर दी यहाँ पर, हम लोग कुछ चेंजेस करेंगे थोड़े बहुत। जैसा कि हम लोग ये वाला जो ब्लॉक था हमारा स्क्रीन, मेन स्क्रीन का जो स्क्रीन वन है उसका ब्लॉक था, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे मैं ऊपर लेके जाता हूँ, इसे हम लोग यहाँ ऊपर लेकर जाते हैं और यहाँ पर कुछ कंडीशंस और ऐड करनी पड़ेगी हमें थोड़ी बहुत। जैसे कि जब भी स्क्रीन इनिशियलाइज हो तो पहले फाइल को स्कैन कर ले, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्रीन वन पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पर जाने के बाद आपको थोड़ा स्क्रोल अप कीजिए और यहाँ पर स्क्रीन वन डॉट इनिशियलाइज वाला ब्लॉक ले लीजिए, देन इसे स्क्रीन इनिशियलाइज का ब्लॉक ऊपर रखते हैं हम लोग, और उसके बाद ये वाला जो फाइल था जिसे हमने रीड किया था फाइल को, उस ब्लॉक के अंदर मैं ऊपर डाल देता हूँ। ये मैंने उठाया और ये इसके ऊपर मैंने डाल दिया। अब इसका मतलब ये है कि जब भी हमारी स्क्रीन इनिशियलाइज होगी, जब तक जब जब हमारा मेन स्क्रीन ओपन होगा, देन हमारा फाइल जो हमारा टेक्स्ट फाइल है वो रीड होगा। अगर उस टेक्स्ट फाइल के अंदर कोई भी टेक्स्ट है तो यहाँ पर आपको ओपन वाला स्क्रीन, मतलब कंट्रोल वाले स्क्रीन के ऊपर ओपन कर देगा, अदरवाइज आपका ये वाली जो स्कैन वाली स्क्रीन है उसके ऊपर ही रहने देगा वो। और एक सेटिंग और चेंज करते हैं यहाँ पर, यहाँ पर हम लोग जो है कि हमने जब भी आईपी स्कैन करी देन उसके बाद ये डायरेक्ट आपको कंट्रोल वाली स्क्रीन के ऊपर नहीं ले जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर कोई भी कंडीशन नहीं डाली है कि जब भी हमारा स्कैन हो जाए फाइल के अंदर वो पेस्ट हो जाए हमारा आईपी, देन उसके बाद नई स्क्रीन ओपन हो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर स्क्रीन वन पर वापस क्लिक करूंगा मैं, देन यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन, नहीं कंट्रोल से जाना पड़ेगा आपको, कंट्रोल के पास जाने के बाद में आपको दिख रहा ओपन अनदर स्क्रीन दिख रहा है, ओपन अनदर स्क्रीन पर मैं क्लिक करता हूँ, देन इसे ड्रैग करके इसके नीचे ड्रॉप कर दूंगा, और ये कंट्रोल्स वाली स्क्रीन है मैं इसे कॉपी करके यहाँ पे इसे पेस्ट कर देता हूँ। इसका मतलब ये है कि जब भी हमारा स्कैन कंप्लीट हो जाएगा, स्कैन कंप्लीट होने के बाद में हमारा ओपन स्क्रीन कर दे कंट्रोल्स। अगर हम लोग ऐसा नहीं करते हैं तो आपको एंड्रॉइड एप्लीकेशन वापस क्लोज करके रीओपन करना पड़ेगा, फिर आपका जो है वो कंट्रोल्स के ऊपर फेच करेगा। अब हम लोगों ने चेंजेस कर दिए हैं, अब हमको वापस से हमारे एंड्रॉइड स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे हम इसको इंस्टॉल करेंगे। तो आप इसे बिल्ड कर लीजिए, लेकिन दोस्तों आप इसे स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको एक सेटिंग बताने वाला हूँ एंड्रॉइड एप्लीकेशन के अंदर, क्योंकि हम लोगों ने पहले से इंस्टॉल कर लिया एंड्रॉइड के अंदर और जो टेक्स्ट फाइल है वो ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है, तो वो जो है आपका एप्लीकेशन डायरेक्ट चालू हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं इसको एपीके बना लेते हैं एक नया, और ये एपीके बनाने के बाद में आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं हमारी एंड्रॉइड स्क्रीन की तरफ। ओके, तो मैंने एंड्रॉइड एप्लीकेशन अपने फोन के अंदर कॉपी कर दिया है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप फाइल मैनेजर में जाइए, फाइल मैनेजर जहां पर आपका एंड्रॉइड एप्लीकेशन आपने एक पेस्ट किया है, आपको क्या करना है कि इंटरनल स्टोरेज के अंदर डायरेक्ट इसे पेस्ट करना है, आपको किसी फोल्डर के अंदर से पेस्ट नहीं करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक आपको ip.txt मिलेगा, जो कि हमने जब पहले इसके पहले जब होम ऑटोमेशन का एप्लीकेशन बताया जिसके अंदर आपको एरर आया था, वो एक ip.txt फाइल इसमें क्रिएट हो गया है। अगर आप इस फाइल को ओपन करके देखेंगे तो आपको यहाँ पर आपकी आईपी, ये देखिए आपकी आईपी जो है वो शो हो जाएगी। तो हम इसे पहले डिलीट कर देंगे क्योंकि हमने एक नया एप्लीकेशन बनाया है, तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, और क्योंकि हमने नया एप्लीकेशन बनाया है इसके लिए मैंने इसे डिलीट कर दिया। अब मैं होम ऑटोमेशन का वापस एंड्रॉइड एप्लीकेशन जो लेटेस्ट वाला है मेरा उसको मैं इंस्टॉल कर दूंगा, पुराना वाला आप डिलीट कर दीजिए और ip.txt फाइल इसको डिलीट कर दीजिए। ओके, तो मैं इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ, इंस्टॉल हो चुका है ये। अब मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, ओपन करने के बाद में आपको फिर से कुछ परमिशंस मांगेगा, तो मैं इसे अलाउ कर देता हूँ, देन आपको ये एरर आएगा, आप इस एरर को इग्नोर कीजिए, एरर इतना हमारा काम का नहीं है, मतलब ये एरर जो है वो ऐसे कुछ दिक्कत नहीं आएगी। स्कैन आईपी पे क्लिक कीजिए, देन फिर से अलाउ, और यहाँ पर आपका बारकोड स्कैनर वापस खुल जाएगा, इससे मैं स्कैन करूँगा अपना QR कोड, देन QR कोड जैसे आप स्कैन करेंगे तो आपके कंट्रोल्स जो हैं वो सक्सेसफुली आपके आ चुके हैं। देख सकते हैं यहाँ पर आपकी आईपी भी दिख रही है 192.168.43.30, देन आपके बटन शो हो रहे हैं यहाँ पर। अब आप बटन जो है वो आपके हिसाब से कंस्ट्रक्ट कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं अब इसकी फंक्शनलिटी। अब मैं कनेक्ट करता हूँ अपने नोड MCU को अपने वाईफाई के थ्रू। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप आपके हॉटस्पॉट ऑन कर लीजिए और आपकी नोड MCU को कनेक्ट कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसे इसकी वर्किंग। ओके, तो हमारा फाइनल स्टेप ये है कि टेस्टिंग करना, तो मैंने यहाँ पर अपना हॉटस्पॉट ऑन करके रखा है इस वाईफाई को, वाईफाई ऑटोमेशन के लिए, इस नोड MCU के लिए, और मैं ये पावर केबल इसमें लगा देता हूँ और हम लोग टेस्ट कर लेते हैं। फिलहाल इस पर ध्यान मत दीजिएगा, ये रिले जो है ये वाला रिले अलग है, ये सब चीज़ें अलग है, ये वाला नोड MCU इस रिले से कनेक्टेड है। तो मैं इसे कनेक्ट कर देता हूँ वापस से, क्योंकि मैं एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ इसके ऊपर, वो मैं प्रोजेक्ट आपको वीडियो में बाद में शेयर कर दूंगा क्या मैं बना रहा हूँ उसका। ओके, तो ये हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया, देन यहाँ पर ये जो लाइट लैंप होना बंद हो गया, इसका मतलब ये हमारा जो वाईफाई है वो कनेक्टेड हो गया है। यहाँ भी हमें दिखा रहा है 1 कनेक्टेड। अब हमारा एंड्रॉइड एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं, ये रहा मेरा एंड्रॉइड एप्लीकेशन होम ऑटोमेशन वाला। जैसे स्क्रीन हम लोग ओपन करेंगे तो हमारी आईपी जो है वो शो कर रहा है। अब हम लोग रिले देखते हैं हमारे चालू होते हैं कि नहीं। 1 पे क्लिक किया, रिले 1 स्टार्ट हो गया। ये एरर जो आ रहा है ना उसे आप इग्नोर कीजिए, ये एरर आपको
कुछ भी आपका अदर कुछ भी चीज डिफेक्ट नहीं देगा इसके अंदर, सिर्फ वो एरर शो कर रहा है कि रिस्पांस वहां से नहीं मिल रहा है। उसको भी हम लोग कई और वीडियोस हम लोग जब बनाएंगे उसको कैसे हैंडल करते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल में अभी आप देखिए फंक्शनलिटीज की, तो यहाँ पर मैं 2 को ऑन कर लूँगा, 3 को ऑन करूँगा, 4 को ऑन करूँगा, बटन जो है हमारे, और ये वाला ऑफ ऑफ, और मैं इसका थोड़ा ब्राइटनेस जो है वो कम कर देता हूँ ताकि आप विजिबल हो पाएगा। ओके, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये ऑन का बटन, ये ऑफ का बटन, ये ऑफ, ये ऑफ, ये जो है हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन सही से वर्क कर रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर आप, ये सारे बंद हो गए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगर आपको इस वीडियो में कहीं भी डाउट आता है तो मुझे डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए, डिस्क्रिप्शन के अंदर सारी लिंक्स वगैरह है, आप जाइए, पुराना वीडियो नहीं देखा है तो उस पर देखिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कोई भी इशू आता है मुझे आप कमेंट्स में बताइए, मैं आपका इशू जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको कुछ भी क्वेरी होती है कमेंट्स में नहीं बता पा रहे, बड़ा कुछ अगर फाइल वगैरह अटैच करना है या अगर कुछ भी अटैचमेंट देना है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरा बिजनेस मेल मेरा चैनल पर जाएंगे आपको मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए टेक रिलोड यूट्यूब चैनल को।